तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बोल दूं यार, सो सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि यार एक्चुअली मुझे जॉब से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी कि मैं ये वीडियो जल्दी बना पाऊं। हफ्ते में 2 छुट्टी ही होती है यार, और मैं उसमें भी तुम्हें ट्राई करता हूँ कि कम से कम 2 वीडियो दे सकूं। लेकिन आज है तुम्हारे भाई का डे ऑफ, और इसी डे ऑफ में आ गया मैं एक और सस्ते रिव्यू के साथ। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो देखो गाइस, बेल बॉटम का ट्रेलर तो आ ही गया, और मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। और अगर तुम अक्षय कुमार के फैंस हो तो तुम्हारे लिए 2 खुशखबरी हो सकती है। पहला, ये मूवी जो है बहुत जल्द 19 अगस्त को ही रिलीज कर दी जाएगी। और दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है बड़े पर्दे यानी थिएटर पर रिलीज की जाएगी, कोई OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी रिलीज। अब अगर तुम महाराष्ट्र में रहते हो यार, तो तुम्हारे लिए थोड़े संकट के बादल हो सकते हैं क्योंकि वहाँ थिएटर बंद है। लेकिन कोई नहीं गाइस, इलाज भी है, अगले दिन ताली वाले बाबा के पास जो है लिंक तुम्हें मिल जाएगा, देख लेना। तो चलो फिर गाइस, बात करते हैं मूवीज की कि एक्चुअली इस ट्रेलर में हमें दिखा क्या। तो ट्रेलर के अकॉर्डिंग गाइस, कहानी बिलोंग करती है 1984 के एक प्लेन हाईजैक से, जिसे ट्रेलर के अकॉर्डिंग 4 लोगों ने जो है हाईजैक कर रखा होता है, जिसमें ओवरऑल 210 जो है इंडियन हॉस्टेजेस भी होते हैं। अब इन्हीं हॉस्टेजेस को बचाने के लिए और उन हाईजैकर्स का पता लगाने के लिए रॉकी टीम से जो है अक्षय कुमार को लीड किया जाता है, जिनका कोड वर्ड होता है बेल बॉटम। तो अब बेल बॉटम और उनकी पूरी टीम जो है रिफ्यूलिंग क्रू की टीम बनके दुबई जाती है, क्योंकि इन्हें हाईजैक से रिलेटेड कुछ लिंक का पता चलता है दुबई में। तो अब बेल बॉटम उनकी पूरी टीम जो है गाइस दुबई जाती है इन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए और इन हाईजैकर्स का पता लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये अपने टीम को कैसे लीड करते हैं और इस मिशन में जो है सक्सेस होते हैं। तो मैं बता दूं गाइस, इस ऑसम मूवी को जो है रंजीत एम तिवारी ने डायरेक्ट किया है। इसमें आपको अक्षय कुमार के अलावा वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भी देखने को मिलेंगी। तो ये मूवी जो है गाइस मिस्ट्री और थ्रिलर पे जो है बेस्ड है। बीच बीच में आपको कॉमेडीज देखने को मिल सकती है अक्षय कुमार के कुछ कुछ डायलॉग्स के साथ। तो इसी के साथ इस ट्रेलर के रिव्यू को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको अच्छी लगे होगी। अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, आ जाएगा यहीं कहीं यार, कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। What happened?